हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, सर्दियां शुरू होने वाली हैं और सितंबर का महीना चल रहा है, और ये जो महीना होता है ये हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे फूल हैं, जो प्लांट्स हैं जो हमें फ्लावरिंग देंगे, तो उनको हमें इसी महीने में लगाना होता है। तो आज की वीडियो में हम सारे वही फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर करेंगे जो हमें विंटर गार्डन में विंटर के टाइम पर जो है फ्लावरिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हमें अभी इसी महीने में लगाना है, क्योंकि अगर हम उन फ्लावरिंग प्लांट्स को अपने गार्डन में अभी नहीं लगाएंगे, ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा आने वाला विंटर गार्डन बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो चलिए शेयर करते हैं वो कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन्हें कैसे लगाएँ, कब लगाएँ और किस किस तरह से लगाएँ, वो सारी बातें जो है आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। और मैं जितने भी आपसे प्लांट जो है शेयर करूँगी फ्रेंड्स, वो मेरे लास्ट सीज़न के ही बचे हुए सारे प्लांट्स हैं। कुछ मैंने मतलब उनकी कटिंग से और बना लिए हैं और कुछ जो है सेल्फ जर्मिनेट ही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और अपने विंटर गार्डन की तैयारी करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स जो हैं हमें लगाने चाहिए इस महीने में। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं ये सुंदर से मैरीगोल्ड। अगर ये जो आप मैरीगोल्ड के प्लांट देख रहे हैं जिसे गेंदा बोलते हैं, ये सारे मेरे लास्ट सीजन के बचे हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, मेरे पास बहुत अच्छा कलर है मैरीगोल्ड का, और ये वाले जो हैं ये लास्ट सीजन के बचे हुए थे, और इसके अलावा जो मेरे पास और हैं वो मेरे सेल्फ जर्मिनेट हुए मतलब कि सीड से। तो इनमें से कुछ प्लांट्स की मैंने जो है कटिंग से भी इनको लगाया, तो कटिंग से मैरीगोल्ड्स को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप इसको अगर आपके आस पड़ोस में या कहीं से आपको मैरीगोल्ड के प्लांट दिखता है तो आप वहां से उनका मतलब प्लांट्स ले सकते हैं, और प्लांट्स नहीं ले सकते तो आप उनसे छोटी छोटी ना अपने आस पड़ोस से जो है ऐसी कटिंग्स ले लें, क्योंकि मैरीगोल्ड को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है। और इस टाइम पर आप इसे नर्सरी से इसकी सीडलिंग और सैपलिंग्स भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में जो है इस टाइम पर जो है इसकी सैपलिंग्स और सीडलिंग मिल जाएगी। और अगर आपके यहाँ पर इसके फूल पड़े हुए हैं तो आप उन्हें डाल दीजिए, वो सेल्फ जर्मिनेट हो जाएंगे बहुत जल्दी, जो है ये जो है उग जाते हैं। और सबसे पहले इसीलिए आप जो है इस फ्लावरिंग प्लांट को लगाएं, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब फूल इस पर खिलते हैं, और दिवाली की शुरुआत इन्हीं फूलों से की जाती है, तो इसलिए मेरे गार्डन में सबसे पहले नंबर पर जो है मैरीगोल्ड आता है, जिसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नंबर दो पर आता है मेरे गार्डन में सुंदर से क्राइसैंथेमम, जिसे गुलदाउदी कहा जाता है। तो ये जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारा मेरा लास्ट सीज़न का ही बचा हुआ है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था आज करीब 6 महीने पहले कि किस तरह से आप अपने क्राइसैंथेमम को जो है सेव कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए, आपके सामने है ये एग्जाम्पल। ये सारे मेरे लास्ट सीज़न के ही बचाए हुए क्राइसैंथेमम हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और इन्हीं की बहुत सारी कटिंग से मैंने जो है अपने बहुत सारे प्लांट्स को रेडी कर लिया है, क्योंकि इनकी कटिंग को इस टाइम पर ना बहुत सही रहता है। ये जो आप जितने भी कटिंग्स वाला पार्ट देख रहे हैं ये समय लगा चुकी हूँ, तो इतनी छोटी छोटी सी कटिंग जो है, जैसे कि ये है ना, यहाँ से ऐसे इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स आप ले लें और इसको लगा लें। अगर आपके पास पुराने प्लांट्स बचे हुए हैं और नहीं तो हैं नहीं बचे हुए हैं तो आप इसे नर्सरी से ले लें। इस टाइम पर छोटी छोटी सैपलिंग्स इसकी आती है, सीडलिंग आती हैं, क्योंकि वो इस टाइम पर जो है आपको बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा। इस पर बहुत सुंदर फूल खिलते हैं और विंटर गार्डन बिल्कुल अधूरा रह जाता है इस सुंदर गुलदाउदी के फ्लावरिंग प्लांट्स के बिना, क्योंकि इसके फूल इतने ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। तो इस सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा देखिए, मैंने इनकी कटिंग से कुछ और इधर ये रेडी किए हैं, बहुत सारे ये सब इन्हीं की कटिंग से रेडी किए हैं, क्योंकि कटिंग से ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ ये कटिंग्स लगाई हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मतलब कि कलर्स और वैरायटी के मेरे पास गुलदाउदी के फ्लावरिंग प्लांट हैं। कम से कम 20-25 तरह का कलेक्शन मेरे पास गुलदाउदी का है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से जो है इनकी कटिंग्स को लगा दी है। तो आप भी जल्दी से अपने आस पड़ोस से अगर आपको मिलते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से इस टाइम पर इन्हें ज़रूर ले लें, आपको ये अच्छे अभी सस्ते दामों में मिल जाएंगे। और उसके बाद जब ये प्लांट बड़े हो जाते हैं तो फिर इनके रेट भी जो है बढ़ जाते हैं। तो नंबर दो पर जो है ये बहुत ही खास प्लांट है गुलदाउदी का, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नंबर तीन पर आते हैं ये सुंदर से सिलोसिया के प्लांट, जो कि इतने सुंदर फूल इन पर होते हैं वेलवेट की तरह, और इस टाइम पर आप इन्हें ज़रूर लगा दीजिए, और इसका फूल बहुत लंबे समय तक चलता है। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है, तो मेरे पास जो सिलोसिया की वैरायटी है वो इतनी ख़ास है कि अगर आप मेरे लास्ट ईयर की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके फूलों का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा था, तो मैं खुद हैरान थी। और इतने लंबे समय तक, करीब 4 या 5 महीने तक इनके फ्लावर्स जो है चले थे, बिल्कुल भी ख़राब
नहीं होते, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इस सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट को भी ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए, इसकी एक वैरायटी मेरे पास ये है। तो ये सब मेरे यहाँ सेल्फ जर्मिनेट हुए हैं, शीट से मैंने इनको ग्रो नहीं किया है, बस मैं इनको टाइम आने पर जो है रिपोर्ट कर दूँगी। ये देखिए कितने सारे ये इस तरह से उग जाते हैं। तो गार्डनिंग करते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें फ्री में मिलती रहती हैं। तो ये देखिए, ये सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट मैंने नहीं खरीदे और ये मुझे मेरे अपने आप से ही जो है सेल्फ जर्मिनेट हुए, और मेरे गार्डन की तैयारी तो आधी ऐसी ही पूरी हो जाती है। तो आप भी इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नंबर 4 पर आता है ये खूबसूरत सा डहेलिया का प्लांट। डहेलिया बहुत ही सुंदर वैरायटी में आते हैं, इसमें पॉम्पम वैरायटी भी होती है और नॉर्मल वैरायटी भी होती है। तो मेरे ये लास्ट सीज़न के ही डहेलिया हैं। ये देखिए, मैं लगभग सभी प्लांट को जो है मेहनत करती हूँ और बचा लेती हूँ। तो आप भी अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको भी अगले टाइम पर जो है उन्हें खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े, और इस तरह से जो है आप भी बचा सकते हैं। तो ये देखिए, वैसे ये बल्ब से होते हैं लेकिन कटिंग से आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने प्लांट्स इसके बचे हैं तो आप उसकी कटिंग आप इन्हें रेडी कर लीजिए। तो ये वाला जो प्लांट है, और ये देखिए, ये इसकी कटिंग से मैंने रेडी किया है। दो प्लांट मैंने इसकी कटिंग से रेडी किए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और इस टाइम पर आप इसकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है यहाँ से, जैसे ये है ना, इतनी इतनी सी कटिंग्स भी आप इसकी ले लें और लगा दें तो बहुत आसानी से ये हो जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर इसका एक कटिंग पर भी वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से आप जो है डहेलिया के प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर फूल देते हैं, बहुत बड़े बड़े बिग साइज़ के फूल होते हैं। तो आप इस सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट को भी विंटर के लिए ज़रूर ऐड करें। नंबर 5 पर आते हैं ये सुंदर से डियांथस। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो ये भी मेरे लास्ट सीजन के बचे हुए हैं और पूरे साल इन पर फ्लावरिंग हुई है। मैंने आपसे मई जून में भी इसके वीडियो शेयर किए थे, जुलाई में भी किया था, क्योंकि इनको बहुत आसानी से जो है आप बचा सकते हैं, पूरे साल ही चल जाते हैं। अब ये देखिए, इन्हीं की कटिंग से जो है मैं बहुत सारे प्लांट रेडी कर लूँगी। आप इसकी छोटी छोटी जो कटिंग्स है ना, नीचे से इस तरह से निकाल लें और उसको लगा दें तो आप इसे ढेरों सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। मैंने भी इसकी बहुत सारी कटिंग्स को जो है लगा दिया है। आपको बस ऐसे यूं करके यहाँ से नीचे से कटिंग्स लेनी है और उसको लगा दें। तो ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट भी आपके गार्डन में जो है विंटर के लिए ऐड हो जाएगा। जब इस पर फूल आते हैं तो ये पूरा भर जाता है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे से इसके प्लांट्स होते हैं और फूल भी छोटे होते हैं, लेकिन जब खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। तो इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट को भी आप अपने गार्डन में विंटर के लिए ज़रूर ऐड करें। नंबर 6 पर आते हैं मेरे गार्डन में ये सुंदर से लैंटाना। और ये देखिए, ये लैंटाना जो है मेरे, ये भी लास्ट सीजन के बचे हुए हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरे गार्डन का कोई भी प्लांट अभी तक मैंने ख़रीदा नहीं है। बस ये है कि हाँ, इसका ये सिर्फ एक ही कलर का मेरा प्लांट जो है बचा, बाकी सारे जो ख़राब हो गए थे। तो सारे बचाना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करके मैंने बहुत सारे प्लांट जो है बचा लिए। इसका कलर इतना ज़्यादा सुंदर है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें बीच में ना ऑरेंज सा शेड है, और इसमें जो है शायद मोबाइल में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, रेड ही मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही सुंदर ये लगते हैं, बहुत अच्छे फूल खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है कलर भी इसमें इतने सुंदर आते हैं। कटिंग से आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, ये जो है इस टाइम पर कटिंग से आसानी से हो जाएंगे। आप इसकी सैपलिंग शीडलिंग भी जो है इस समय नर्सरी से ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट इस समय खरीदेंगे तो आपको उसमें थोड़ा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वो थोड़े से सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। लेकिन इस पर फूल जब खिलते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे कलर आते हैं इसमें, ऑरेंज आता है, येलो आता है, वाइट, पिंक, पर्पल, सभी कलर आते हैं। तो ये सुंदर सा फ्लावरिंग प्लांट भी आप विंटर के लिए अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। 7 नंबर पर आते हैं ये सुंदर से सनफ्लावर, जिनके बिना हमारा गार्डन बिल्कुल अधूरा रहता है। जब ये खिलते हैं तो इतनी ज़्यादा संख्या में खिलते हैं कि पूरा जो है गार्डन का लुक ही अलग अलग होता है, अलग लगता है, क्योंकि इनके प्लांट्स थोड़े से बड़े होते हैं और काफ़ी बुशी हो जाते हैं। तो ये, और जैसे ही आपके प्लांट थोड़े बड़े होते हैं, आप इसको बुशी भी करें, इसकी पिंचिंग कर करके, तो इसको भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, और इसके शीट से भी आप इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने ये जून में ही इसके शीट जो है डाल दिए थे, और ये देखिए इस टाइम पर इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो कुछ शीट में इस टाइम पर भी इसके जो है लगाऊंगी। तो टाइम पर जो है लगाने का यही एक फ़ायदा होता है। ये देखिए, मेरे सारे जितने भी सनफ्लावर हैं उन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी मेरे कुछ और साइड में रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इस खूबसूरत से सुंदर से सनफ्लावर के प्लांट यानी सूरजमुखी को भी अपने गार्डन में विंटर के लिए ज़रूर ऐड करें। और इसकी देखिए कटिंग से मैंने एक ये प्लांट लगाया
लगाया था आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी कटिंग थी ये, और मैंने लगा दी थी। और ये देखिए इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और बर्ड्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो कटिंग से आप इन्हें लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप इसकी नर्सरी से सीडलिंग और सैपलिंग भी ले सकते हैं। और देखिए ये भी एक कटिंग वाला प्लांट है, और ये भी देखिए बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गया है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। उसके बाद आता है ये सुंदर से बालसम, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है फ्लावरिंग देते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे बालसम का नज़ारा तो बस कुछ खास ही है। कम से कम 40 या 50 के करीब मैंने इन प्लांट्स को लगाया हुआ है, और ये सारे सेल्फ जर्मिनेट हुए हैं। मैंने इसमें से एक भी प्लांट का शीट जो है नहीं लगाया, क्योंकि लास्ट सीजन के जो भी शीट्स रहे होंगे वो इधर उधर गिर जाते हैं, और हर साल मेरे यहाँ ये बालसम जो है इसी तरह से ग्रो होते हैं। तो आप इस खूबसूरत से बालसम को भी ज़रूर ऐड करें, बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं। और इसको आप जो है कटिंग से लगाने के बजाय जो है सीड से लगाएं। सीड से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है जल्दी से हो जाते हैं। और मैंने बालसम के ऊपर अभी फ़िलहाल ही एक वीडियो अपलोड किया है कि आप इसे किस तरह से लगाएं, केयर करें। तो बालसम भी विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, करीब दिसंबर जनवरी तक ये आपको बहुत फ्लावरिंग देंगे, तो आप इसे भी ज़रूर ऐड करें। उसके बाद 9 नंबर पे मेरे गार्डन में आते हैं ये सुंदर से जरवेरा, जिसका कि अभी फ्लावरिंग तो नहीं है मेरे गार्डन में, लेकिन इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और थोड़े बड़े से होते हैं। तो आप इसको ऑनलाइन इसके फूल देख सकते हैं। मैं जो मेरे यहाँ प्लांट्स हैं मैं वही वाले ऐड कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ पहले। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग फ्लावर्स होते हैं। तो आप जरवेरा को भी जो है अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। आप इसको सीडलिंग और सैपलिंग्स दोनों से ही लगा सकते हैं। नर्सरी से इस टाइम पर इसकी जो है आप सैपलिंग्स को मंगा लें और ज़रूर इसे लगाएं। बहुत ही सुंदर सा जो है इसके फूलों का लुक होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मैं आपसे फ्लावरिंग प्लांट शेयर कर रही हूँ वो मेरे गार्डन में नहीं है, तो मैं सिर्फ उनके नाम आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी अब उनकी सीडलिंग या सैपलिंग्स को लेकर के आऊँगी। और ये सारे प्लांट्स तो मेरे गार्डन में थे, तो उसमें जो है आपका नंबर 10 पे आता है पिटूनिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स है, भर भर कर फूल आते हैं। और पिटूनिया के बिना तो हमारा गार्डन जैसे कि बिल्कुल अधूरा ही है। तो आप नंबर 10 पे जो है पिटूनिया के जो है शीट्स ला सकते हैं, या फिर उसके सैपलिंग या सीडलिंग्स को जो है नर्सरी से ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते से दामों में मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं गजानिया, जो कि बहुत सुंदर होते हैं, और मेरे गजानिया अभी तक बच गए थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गए लास्ट में आते आते। तो गजानिया के फूल भी बहुत सुंदर होते हैं, और लास्ट वीडियो अगर आप मेरे देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि गजानिया का कितना अच्छा कलेक्शन मेरे यहाँ पर है। तो गजानिया को भी आप जो है अपने विंटर के गार्डन में जो है ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद आते हैं साल्विया, तो साल्विया के शीट्स भी मेरे पास, जो ये प्लांट्स मैं आपको अब बता रही हूँ इन सबके शीट्स मेरे पास लास्ट सीजन के रखे हुए हैं, तो मैं उनको भी शीट्स को लगाऊंगी। तो अगर मैं आपसे शीट जब लगाऊंगी तो मैं आपसे वीडियो शेयर कर लूंगी, नहीं तो आप इन वाले फ्लावरिंग प्लांट्स के शीट्स, सैपलिंग, सीडलिंग जो भी आपको मिलती है आप उसको ज़रूर से लगाएं। उसके बाद आते हैं कैलेंडुला, तो कैलेंडुला बहुत सुंदर होते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, उनकी भी एक अलग खास बात होती है। तो विंटर गार्डन के लिए आप जो है कैलेंडुला को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। उसके बाद आते हैं स्वीट अलाइजम, तो मेरे गार्डन के ये सारे लास्ट सीजन के प्लांट्स जो है थे, तो आप मेरे लास्ट वीडियोस में सर्च कर सकते हैं कि कितना अच्छा कलेक्शन जो है इन प्लांट्स का रहा। तो ये सब मुझे भी अभी लगाने हैं, लेकर के आने हैं कुछ। और लास्ट में आते हैं पेंजी और डॉग फ्लावर, तो ये सारे करीब 15-16 मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट्स बताए हैं जो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अगर आप अभी इसी महीने में इन फ्लावरिंग प्लांट्स को लगा लेंगे इनकी सीडलिंग, सैपलिंग या शीट से, तो आपका विंटर, आने वाला विंटर का जो गार्डन है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा और फूलों से भरा रहेगा, और आपको 1.5-2 महीने में उनसे जो है फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आज की वीडियो में मैंने आपसे विंटर के सभी जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आने वाले टाइम में फूल देंगे उनके बारे में आपको बताया, और कैसे लगाना है ये सब बातें भी मैंने शेयर की। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।